हेलो स्टूडेंट्स इन आर टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन आर प्रीवियस वीडियो सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल्स प्ले लिस्ट सो स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जो कि काफ़ी सिंपल मैंने ईजी वे में आपको एक्सप्लेन किया है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियोरम भी बहुत ज़्यादा ईजी है स्टूडेंट्स अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया तो आपको कभी भी इस थ्योरम के कन्वर्स में भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थियोरम सो स्टेटमेंट ऑफ पाइथगोरस थियोरम इज इन अ राइट एंगल्स ट्राइंगल स्केयर ऑफ हाइपोटनियस इज इक्वल टू समयर ऑफ अदर टू साइड मीन्स अगर कोई राइट एंगल ट्रैंगल है उसके हाइपोटनियस का अगर हम स्केयर करेंगे दैट विल भी इक्वल टू सम ऑफ स्केयर ऑफ अदर टू साइड्स मान लीजिए ए बी सी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रैंगल है सो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रैंगल है इन विच एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री सो so, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है दैट इज आर हाइपोटनियस और हाइपोटनियस क्या होता है स्टूडेंट्स लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राएंगल होता है और जो रिमेनिंग साइड जो होती हैं जो नाइन्टी डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट कर रही हैं दैट आर नोन एज बेस एंड परपेंडिकुलर सो so, थ्योरम क्या कहती है स्टूडेंट्स स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस मींस ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मींस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स नाउ लेट्स डिस्कस स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्सेस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सो कन्वर्से कन्वर्से मींस इसके अपोजिट हम चलेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना था स्टूडेंट्स के स्क्ेयर ऑफ हाइपोटनियस इक्वल टू सम ऑफ स्केयर ऑफ अदर टू साइड्स बट कन्वर्स में क्या होगा हमें क्या गिवन होगा ट्रैंगल क्या है राइट एंगल नहीं होगा हमें क्या गिवन होगा ओनली सम ऑफ स्केयर ऑफ टू साइड्स मीन्स ए बी स्क्यर प्लस बी सी स्क्यर इक्वल टू स्क्र ऑफ थर्ड साइड देन वी विल हैव टू प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू नाइन्टी डिग्री मीन्स जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके अपोजिट जो एंगल होगा उसे हमें नाइन्टी डिग्री का एंगल प्रूव करना है थ्योरम में तो हमें डायरेक्टली नाइन्टी डिग्री के एंगल को कंसिडर करना था उसके अपोजिट हाइपोटनियस था बट यहाँ कन्वर्स में हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स हाइपोटनियस के जो अपोजिट एंगल होगा वो एंगल कितना होगा नाइन्टी डिग्री का सो कन्वर्स ऑफ हाइप थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है इनर ट्रेंगल ट्रैंगल यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंगल किसी भी टाइप का हो सकता है ट्रेंगल का नेम मेंशन नहीं है पाइथागोरस पाइथागोरस्टर में हमें राइट एंगल ट्रेंगल लेना था बट यहाँ हमें राइट एंगल ट्रेंगल प्रूफ करना है सो इनर ट्रेंगल इफ स्केयर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू समयर ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल मीन्स अगर किसी ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ वन साइड एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स दो साइड्स के अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है देन वी विल हैव टू प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज राइट एंगल मींस जिस साइड के स्क्वायर के इक्वल है जो हाइपोटनियस जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसके अपोजिट एंगल हमारा 90 डिग्री का आएगा सो so, इस थ्योरम में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स ए जैसे हमने एक ट्रायंगल लिया हमें नहीं पता ये 90 डिग्री का एंगल है या नहीं है हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री सो so, एनी ट्रायंगल आप यहाँ पे ले सकते हैं सो so, इवन हमें क्या है ए बी स्क्यर प्लस बी सी स्क्यर इक्वल टू ए सी स्क्यर वी विल हैव टू प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू नाइन्टी डिग्री सो हम डायरेक्टली सिर्फ इस ट्रैंगल से इस कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ नहीं कर पाएंगे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स एक और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें इसी टाइप का एक और ट्रैंगल लेना पड़ेगा आफ्टर दैट हम क्या शो करेंगे स्टूडेंट्स बोथ ट्रैंगल्स आर सिमिलर दूसरा ट्राएंगल किस टाइप का लेंगे स्टूडेंट्स दूसरा ट्रेंगल एक राइट एंगल ट्रैंगल लेंगे जिसमें ए बी इक्वल टू पी क्यू बी सी इक्वल टू क्यू आर एंगल क्यू इक्वल टू नाइन्टी डिग्री है अगर दोनों ट्रैंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए कॉन्ग्रेंट फिगर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स फिगर्स दैट आर ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज़ मीन्स अगर हम ये शो कर दें कि दोनों ट्रैंगल ट्रैंगल से सेम शेप है बट अगर हम ये प्रूव कर दें कि साइड के दोनों का साइज भी सेम है एक दूसरे के ऊपर अगर हम इनको ओवरलैप करेंगे तो कंप्लीटली एक दूसरे को कवर करेंगे यानी सेम साइज़ के होंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स सारी साइड्स की लेंथ भी इक्वल होगी और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे कॉरस्पोंडिंग एंगल्स सो so, अगर एंगल ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर हमने कॉन्ग्रेंट शो कर दिए तो हमने क्या लिया था एंगल क्यू इक्वल टू नाइन्टी डिग्री देन विद द हेल्प ऑफ सी पी सी टी मीन्स कॉरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स एंगल क्यू का कोरोस्पोंडिंग एंगल कौन सा है एंगल बी सो so, एंगल क्यू अगर नाइन्टी डिग्री का है देन एंगल बी इज ऑल्सो ऑफ नाइन्टी डिग्री सो so, हमें ये प्रूफ करना है ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट सी प्रूफ गिवन ए सी स्क्वेयर ए सी इक्वल टू ए बी स्क्र प्लस बी सी टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स एंगल बी इक्वल टू नाइन्टी डिग्री कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्ट ट्रैंगल पी क्यू आर एक ट्रैंगल पी क्यू आर हमने इस टाइप से लिया है स्टूडेंट्स इन विच एंगल क्यू इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ए बी ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर बी सी इक्वल टू क्यू आर मीन्स ये दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल है हमने इस टाइप का एक दूसरा ट्रेंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स प्रूफ देखते हैं सिंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रैंगल तो राइट एंगल ट्रैंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड सो पी आर स्क्र इक्वल टू पी क्यू स्क् प्लस क्यू आर स्क्यर बाय थ्योरम बट गिवन क्या है हमें ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यहाँ से आप क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स पी क्यू जो हमने लाइन सेगमेंट लिया है वो किसके इक्वल है पी क्यू इक्वल टू ए बी पी क्यू इक्वल टू ए बी सो पी क्यू स्केयर के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं पी क्यू के प्लेस पर ए बी पुट कर सकते हैं बिकॉज बोथ आर ऑफ इक्वल लेंथ सो पी क्यू के प्लेस पर हमने क्या पुट किया है ए बी और स्केयर है तो यहाँ पे स्केयर होगा प्लस क्यू आर क्यू आर किसके इक्वल हमने कंसिडर किया है स्टूडेंट्स क्यू आर इक्वल टू बी सी सो क्यू आर के प्लेस पर हम बी सी पुट करेंगे स्क्यर है तो स्केयर रहेगा सो पी आर स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्र प्लस बी सी स्क्यर दिस इज इक्वेशन नंबर वन बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिया था ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू हम क्या लेंगे जो हमने हमें गीवन था मीन्स ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्यर प्लस बी सी स्क्वेयर नाउ बाई इक्वेशन वन एंड टू इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू में आप ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स के राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल है ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर प्लस बीसी स्क्वेयर फर्स्ट इक्वेशन में ए बी स्क्यर प्लस बी सी स्क्वेयर इक्वल टू पी आर स्क्वेयर है सेकंड इक्वेशन में ए बी स्क्यर प्लस बी सी स्क्वेयर ए सी के इक्वल है सो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होंगी इक्वल होंगी सो बाय इक्वेशन वन एंड टू वी कैन से दैट पी आर स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसल आउट मीन्स पी आर इक्वल टू ए सी ओके स्टूडेंट्स सो हमने क्या प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिया था ए बी इक्वल टू पी क्यू बी सी इक्वल टू क्यू आर और हमने अभी भी क्या प्रूव किया स्टूडेंट्स के ए सी इक्वल टू पी आर मीन्स इस ट्रैंगल की तीनों साइड्स किसी दूसरे ट्रैंगल की तीनों कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं सो बोथ ट्रैंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट सोब so, कॉन्ग्रट हम कैसे शो करेंगे स्टूडेंट्स इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रैगल पी क्यू आर ए बी इक्वल टू पी क्यू हमने कंस्ट्रक्शन किया था बी सी इक्वल टू क्यू आर बाय कंस्ट्रक्शन एंड ए सी इक्वल टू पी आर जो हमने अभी अभी प्रूव किया इक्वेशन नंबर थ्री सो तीनों साइड्स एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे क्राइटेरिया के, okay, के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिटेल दि, में डिस्कस कर चुके हैं कॉन्ग्रस के कितने क्राइटेरिया डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स हमने फोर डिस्कस किए थे side, 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 angle, side, angle, side, angle, यहां पर कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हुआ हमने तीनों साइड्स को इक्वल शो किया है दैट्स वाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को हमने यहाँ यूज किया है सो इफ बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन कॉरस्पोंडिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल सो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी सी टी सी टी सी पी सी टी मीन्स कॉरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सो एंगल क्यू को हमने 90 डिग्री का लिया था दैट्स वाई एंगल बी मस्ट बी ऑफ 90 डिग्री और यही हमें शो करना था सो so, फ्रेंड्स इस थ्योरम को हमने कैसे प्रूव किया है अगर इस ट्रायंगल में हमें एक एंगल को 90 डिग्री का शो करना है तो हमने एक दूसरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पे जिसमें दो साइड्स की लेंथ को हमने इक्वल कंसीडर किया है एक एंगल 90 डिग्री का लिया है देन हमने क्या प्रूफ किया दोनों ट्रैंगल्स कॉन्ग्रोएट हैं कॉन्ग्रोएट हैं तो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी और सारे एंग, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे दैट्स वाई एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी एंगल क्यू इज़ ऑफ 90 डिग्री दैट्स वाई एंगल बी इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री और यही हमारा प्रूफ कंप्लीट होता है सो so, स्टूडेंट्स आपने देखा कि काफ़ी ईजी यहाँ पे प्रूफ था कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्लास टेन में थ्योरम नंबर सिक्स गिवन है तो so, आज के वीडियो में इतना ही इफ यू लाइक मई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब